आज हम बीटी के अंदर नेक्स्ट यूनिट नंबर 5 स्टोन मेसनरी की जो इम्पोर्टेंट आर्म है उसको करेंगे। यूनिट 5 कोड 203 बिल्डिंग टेक्नोलॉजी में। इससे पहले मैंने आपको ब्रिक मेसनरी की इम्पोर्टेंट आर्म बताई थी, अब ये है यूनिट नंबर 5 स्टोन मेसनरी की इम्पोर्टेंट टर्म। पहले है नेचुरल बेड। स्टोन की बात कर रहे अपन तो स्टोन का नेचुरल बेड का मतलब जिस प्लेन से उसको संरचना हुई है उसकी, जिस प्लेन के अलोंग अपन उसको स्पिल्टअप कर सकते हैं, 2-3 भागों में उसको तोड़ सकते हैं, स्पिल्टअप कर सकते हैं, वो उसका नेचुरल बेड है। अब यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आप लोगों के लिए ये उठता है कि जब प्रेशर आता है, जो लोड आता है, तो नेचुरल बेड के पैरेलल आना चाहिए कि परपेंडिकुलर आना चाहिए। तो हमेशा नेचुरल जो बेड के जो आपका प्रेशर है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। जब आप इसको वाल में लगाते हो, जब आपको देखना है जब ये प्रेशर के पैरेलल नहीं परपेंडिकुलर हो, लेकिन ये अगर वाल में देखे तो, लेकिन अगर आप इसके पैरेलल लगाते हुए तो इसको स्पिल्टअप होने का चांसेज हो जाएगा, स्पिल्टअप होने का चांसेज आपका इसका रहेगा। नेक्स्ट है सिल लेवल। सिल जहाँ से विंडो शुरू होती है उसमें ये मोल्डेड स्टोन होता है, जो आपका वुडन का भी हो सकता है, स्टोन का भी हो सकता है, कंक्रीट का भी मेंबर हो सकता है। जिस जहाँ से विंडो शुरू होती है, विंडो सामान्य तौर पर फ्लोर लेवल से 2 से 2.5 फीट पर शुरू होती है और लिंटर लेवल तक जाती है, तो जहाँ से शुरू होती है उसको सिल। और इसमें क्या होते हैं, बाहर की तरफ मोल्डेड प्रोजेक्शन कर देते हैं, इसका डिजाइन कर देते हैं आर्किटेक्चरल से, ताकि एक तरह से बाहर बरसात का पानी भी अंदर नहीं आए, बाहर सेडअप हो जाए, तो उसको कहेंगे सिल मेंबर। तो ये दरवाजे का भी हो सकता है और विंडो का भी, लेकिन सामान्य तौर पर दरवाजे में आजकल सिल प्रोवाइड नहीं करते, विंडो में देते। कोरबल यहाँ मैंने आपको ये बताया हुआ है, ये मोल्डेड स्टोन का पीस है जो रूफ लेवल पर देते हैं अंदर की तरफ, जहाँ पर ट्रस या गर्डर या बीम रेस्ट होता है, इसको बोलते हैं कोरबल। एक तरह से यहाँ फुल लेंथ की कम से कम दीवार में एंकरेज 2/3 होना चाहिए, ताकि प्रॉपर एंकरेज हो जाए या बॉन्डिंग हो जाए। और ये रूम के अंदर की तरफ है और इसको कई बार मोल्डिंग भी कर देते हैं अट्रैक्टिव अपीरेंस के लिए, इसमें डिजाइन भी हम लगा देते हैं। तो इस तरह से ये आपका ज्वाइस्ट बीम या ट्रस को रेस्ट करने के लिए यूज करते हैं, और रूफ के पास में इन साइड में उसको बोलते हैं कोरबल। कोर्स जैसे आपने ईंटों का किया, इसी तरह से हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ स्टोन, वन लेयर, एक लेयर की जो अपन प्रोवाइड करें स्टोन का, उसको कहेंगे कोर्स। कॉर्निस, जैसे डायग्राम मैंने बताया, कॉर्निस का मोल्डिंग स्टोन भी हो सकता है, कंक्रीट का भी हो सकता है, आउटर साइड में रूफ लेवल पर प्रोवाइड करेंगे, ताकि आर्किटेक्चरल लुक दे, और इसके साथ साथ जो बारिश का पानी है, रेन वाटर है, उसको भी बिल्डिंग से दूर रखे, शेडिंग ऊपर रखे, ताकि डैम्पनेस नहीं आए दीवार में, और इस पानी को बाहर ही इसको दीवार से नीचे तक ले आए या दीवार से टच नहीं आए। ये कॉर्निस है और बिल्डिंग को लुक भी देता है और एक तरह से ज्वाइंट भी आपका काटता है, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो दीवार में तो वो भी एक तरह से यूनिफॉर्म हो जाएगी कॉर्निस देने से। नेक्स्ट है कोपिंग अपुन जैसे ये है, इसको हम बोलते हैं कोपिंग। सीसी की हो सकती है, सीमेंट कंक्रीट की हो सकती है, ऊपर टॉप मोस्ट पैरापिट वाल के ऊपर, ये वाल कौन सी है, पैरापिट वाल, जनरली आउटसाइड में रूफ के ऊपर 2.5 से 3 फीट तक अपन दीवार रखते हैं, उसको बोलते हैं पैरापिट वाल, जो सेफ्टी करती है उसके अंदर जो भी रह रहे हैं पर्सन, ताकि वो उनको सेफ्टी गार्ड के तौर पर काम करे। तो इसमें क्या करते हैं, अपन स्लोप दे देते हैं,
ताकि रेन वाटर इसमें कहीं पर कोई क्रैक हो तो वाल में नहीं जाए, डैम्पनेस नहीं आए और ये सारा पानी है आपका छत पर आकर पाइप के जरिए ड्रेन ऑफ हो जाए, तो उसको बोलते हैं हम कॉपिंग। इसके नीचे अपन क्या कर देते हैं, ये ग्रू काट देते हैं। ये ग्रू, इस ग्रू का क्या मतलब है, अगिस थ्रोटिंग, अगिस ग्रू के थ्रोटिंग कहेंगे, तो इसका क्या मतलब है, ताकि रेन वाटर दीवार के टच नहीं हो और यहीं से शेडिंग ऑफ हो जाए, तो इसको बोलते हैं थ्रोटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्रू देखना। कई बार क्या होता है, बाहर कैंटिलीवर प्रोजेक्शन है, छज्जेज हैं, उनमें भी ये ग्रू प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस ग्रू का क्या है, जैसे बरसात का पानी है, ग्रू नहीं होगा तो क्या होगा, छज्जे पर से आकर उसके नीचे से जाकर और फिर दीवार के साथ साथ जाएगा। तो कई बार आपका वेंटिलेटर है या विंडो है तो मकान के अंदर भी बरसात का पानी आ सकता है, दीवार को भी डैम्पनेस कर सकता है, प्लास्टर भी ख़राब कर सकता है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें। तो ये ग्रू बहुत काम का है, जिसको हम थ्रोटिंग बोल रहे हैं, तो ये ज़रूर प्रोवाइड करना चाहिए। बढ़ने नहीं भी किया तो आप कटर मशीन से भी इसको बढ़ने के बाद भी कर सकते हो, लेकिन ये आपको बढ़ाते वक्त करना चाहिए। प्लिंथ, प्लिंथ एक तरह से अपन क्या बोलते हैं, जो सराउंडिंग लेवल से, जो ग्राउंड लेवल से, अपना जो ग्राउंड फ्लोर लेवल है, जो प्लिंथ लेवल है, उसको हम बोलते हैं प्लिंथ लेवल। तो ये जनरली सामान्य तौर पर बाहर जो भी रेन वाटर है वो मकान के अंदर नहीं आए, और हमारा जो घर का रेन वाटर है वो बाहर ड्रेन के अंदर ड्रेन ऑफ हो जाए, स्लोप के अंदर, और डैम्पनेस से बचाता है और जो सामने रोड या उस जो ग्राउंड लेवल है उससे अपना ऊपर है। तो ये डिपेंड करता है, 2 फीट भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है आपका रोड लेवल से। नेक्स्ट है आपका स्ट्रिंग कोर्स। स्ट्रिंग कोर्स क्या होता है, प्लिंथ और रूफ के बीच में हर फ्लोर पर, हर फ्लोर का मतलब जो भी रूफ है उस पर से प्रोजेक्शन मोल्डेड स्टोन कॉर्निस की तरह बाहर निकला होता है रूफ लेवल पर, जैसे फर्स्ट फ्लोर पर, सेकंड पर, थर्ड पर, इस तरह से प्लिंथ और टॉप फ्लोर के बीच में से, तो उसको बोलते हैं स्ट्रिंग कोर्स। नेक्स्ट है लेसिंग कोर्स। लेसिंग कोर्स क्या होता है, जब आपने कोई पत्थर ऐसे होते हैं इरेगुलर शेप के, तो इरेगुलर शेप के जो पत्थर हैं तो उनको प्रॉपर तरीके से जो बॉन्ड नहीं बना, तो बीच में 2-3 कोर्स ब्रिक मेसनरी के या एसलर मेसनरी के कर दिए, उसको कहेंगे लेसिंग कोर्स, ताकि बॉन्ड अच्छा बन जाए। स्पाल, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं स्टोन के, तो जो गैप होते हैं बड़े पत्थरों के, उसके बीच में डाल देते हैं ताकि उसमें गैप नहीं हो और ज़्यादा मोर्टर नहीं लगे और डैम्पनेस नहीं आए और बॉन्ड अच्छा बन जाए और दीवार को मजबूती मिल जाए। क्यून, क्यून मतलब कॉर्नर के अंदर, जो कॉर्नर पे अपन क्या रखते हैं, क्यून स्टोन रखते हैं, ब्रिक हो या स्टोन मिश्र की दीवार हो, तो कॉर्नर पर जो यूज करते हैं उसको क्यून, क्यून बोलते हैं। बॉन्ड, बॉन्ड जैसे आपने ब्रिक मेसनरी में भी देखा कि ब्रेकिंग ऑफ द कंटिन्यूस वर्टिकल ज्वाइंट है फेस पर और बॉडी पर, ताकि आप एक सिंगल यूनिट मास की तरह एक्ट करे, अच्छा लोड ले, सेटलमेंट नहीं हो, तो ये सारे बॉन्ड के इसके बेनिफिट हैं। थ्रू स्टोन, थ्रू स्टोन क्या होता है, इसको कई बार बॉन्ड स्टोन भी बोलते हैं, आपका पूरी जितनी दीवार की थिकनेस है उसमें पूरी में आपका एक पत्थर रख दिया, ताकि कहीं पर भी आपका ज्वाइंट अगर ब्रेक नहीं हुए तो वो एक तरह से बॉन्ड का काम करेगा, और ये हर 2-3 फीट की हाइट पर यूज करेंगे, उसको बोलेंगे थ्रू स्टोन। जैम, जैम क्या होता है, जैसे हम दरवाज़ा खोलते हैं तो दरवाजे के साइड में जो आपकी वर्टिकल जो दीवार है, जिससे जो डोर जो रेस्ट होता है, जिसमें आपको सपोर्ट मिलता है, उसको बोलते हैं जैम। रिवील, बाहर की तरफ जो आपकी दीवार है, जो चौखट लगी, जो फ्रेम लगी हो, बात है एक तो सटर है, एक फ्रेम है, तो फ्रेम लगी उसका जो बीच की दूरी है जो, उसको बोलते हैं रिवील। हेड, एक तरह से जो लिंटल है ऊपर का टॉप मोस्ट मेंबर डोर का, विंडो का, उसको बोलते हैं हेड या लिंटल। फेसिंग, फेसिंग वह है, यानी फेस बोलो या फेसिंग बोलो, तो जो मटेरियल यूज किया फेस में उसको कहेंगे फेसिंग। तो ये क्या है, वह जो साइड जो वॉल की जो एक्सपोज टू वेदर हो, वेदर के एक्सपोज हो, जो आउटसाइड है वो है फेसिंग। और बैकिंग, जो नॉट एक्सपोज टू वेदर, इनर सरफेस है जो वेदर के एक्सपोज नहीं है, वो बैकिंग, और जो मटेरियल इसमें यूज किया वो बैकिंग हो जाएगा आपका। और जो हर्टिंग, हर्टिंग मतलब मिडवे, बीच में, यानी
प्रेसिंग बिटवीन यानी फेसिंग और बैकिंग के बीच में, तो फेसिंग और बैकिंग के बीच में वो है अर्टिंग। फ्रीज, तो फ्रीज आप देख रहे हो इसके अंदर रूफ के पास में ये जो कॉर्निस है इसको सपोर्ट देने के लिए एक फ्रीज है, स्टोन का पीस है जो एलिवेशन भी बढ़ाता है और इसको रोकता भी है बात है, और एक तरह से बिल्डिंग को आपको लुक अट्रैक्टिव देता है। और इसके साथ ब्लॉकिंग कोर्स, ये जो कॉर्निस है ये ऑल्टर नहीं हो जाए इसके लिए इसके ऊपर स्टोन पीस लगा दिया, इसको बोलते हैं ब्लॉकिंग कोर्स। और ये जो कॉर्निस है ये रूफ के पास देते हैं, और कई बार क्या होता है ये नहीं देते हैं तो पैरापिट वाल भी इतनी हाइट की होनी चाहिए जो इसको ओटर्न करने से रोक ले। तो आज इस तरह से बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म थे स्टोन मेसनरी। थैंक यू।